आज मेरे पास हमारे हैदराबाद के बड़े साले साहब जी का एक वीडियो आया। यूपी चुनाव में वो अपनी पार्टी के कैंडिडेटों को खड़ा करके पार्टी प्रचार कर रहा है, तो उस मीटिंग में ये कहता है कि मोदी और योगी के बाद हिंदुओं का रखवाला कौन रहेगा। तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि जब जब औरंगजेब जैसे तो पैदा होंगे इस दुनिया में, तब तब छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाएं पैदा होंगे इस धरती पर। और तुम जरा तुम्हारा इतिहास याद कर लेना कि जब जब हिंदुओं ने तलवारें उठाई तो तुम्हारे बाप दादाओं ने तलवार के डर से सलवार पहन लिए थे। ये इतिहास तुम्हारा है। और तुम हिंदुओं की रक्षा के बारे में उनको कौन देखेगा ये मत सोचो, क्योंकि हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जब जब धर्म पर अत्याचार होगा तब तब कोई ना कोई रूप में धर्म को बचाने के लिए एक महान पुरुष का जन्म इस धरती पर होगा। सो इस जन्म में वो महापुरुष योगी जी, मोदी जी है, अमित शाह जी है, हमारे पास बहुत है बेटा, लेकिन तुम्हारे पास कौन है? एक जाने के बाद तो दूसरा नहीं आएगा, ये बात ध्यान रख ले बेटा। चुनाव प्रचार कर रहा है, चुनाव प्रचार कर, तरीके से कर, चुनाव अच्छे से लड़। ये उल्टी सीधी बात आ करके हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने का काम मत कर। यहाँ के मुसलमानों को तू नहीं देखता बेटा, वहाँ के मुसलमानों को क्यों तू चूतिया बनाने चला? आज ओल्ड सिटी में जहाँ का तू पार्लियामेंट है वहाँ के मुसलमान बेचारे दुनिया के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और यूपी के मुसलमानों की रक्षा करने चला, भारत के मुसलमान की रक्षा करने चला तू। बेटा रखो, इधर उधर ज़्यादा मत भाग, जिससे आने वाले समय में तू बोल के अगर ओल्ड सिटी के मुसलमान बोल देंगे ना तू घर का रहेगा ना तू घाट का रहेगा बेटा। के कानपुर देहात रसूलाबाद में, रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया, और ये हरकत करने वाले का नाम एसआई है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को लोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में? अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो? मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारा तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला, और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो तुम, हम वो भी नहीं भूलेंगे कि एक मुसलमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक दंगाई बजरंग दल जो भी थे उसको मार रहे थे, वो बच्ची अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही थी, यही कानपुर में हुआ था ना, हम याद रखेंगे। वो बच्ची उस बाप की बेटी नहीं, मेरी बेटी है,
मैं उसकी तकलीफ को नहीं भूलने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम याद रखेंगे इन चीजों को। और आप अगर समझ रहे हैं कि लक लेके मारेंगे, टीवी पर दुनिया ने देखा कि बाप है गोद में मासूम सा बच्चा है और पुलिस के थानेदार लक से मार रहे हैं, बाप कह रहा है बच्चे को लगेगी, बच्चे को लगेगी। गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है तो थानेदार साहब कह रहे हैं हीरो बनता है तुझे हीरो बनाऊंगा। अरे तुम आज अपने वर्दी की ताकत पर जिसको डरा रहे हो कि हीरो बनेगा, कल तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला।